सो गाइस, BIS का टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो निकला है आपको पता होगा, ठीक है। तो उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, तो इसका उसका मैं रीजनिंग के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस ईयर का 3-4 ईयर का रीजनिंग पेपर को अच्छी तरह एनालाइज किया, एंड उसमें मतलब कि इतना ज़्यादा टफ वाला नहीं आ रहा था, ठीक है। एक लेवल का आ रहा था, लाइक ग्रेजुएट लेवल का आ रहा था, लाइक CGL का लेवल का आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या करता है कि SSC और SSC का रीजनिंग मिक्स करता है और रेलवे का भी रीजनिंग मिक्स करता है, दोनों का कंबाइन करके ये जनरल जो इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पेपर ये करता है, ठीक है। ये होता है आई थिंक 40 क्वेश्चन होता है 50 मिनट के अंदर, ठीक है। आई थिंक 50 क्वेश्चन होता है 40 मिनट के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसका जो सिलेबस है, मैंने मतलब बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने एक बुक से उसका सिलेबस टोटली, मतलब अगर आप यहाँ पे 27 है, ठीक है, 27 में से कुछ कुछ जो क्या कहते हैं उसको आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन 27 को अगर आप टॉपिक कवर करते हो तो आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा BIS टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। बाकी दूसरा रहा जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, तो GS में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा एंड इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा इजी रहेगा आप मेरे हिसाब से। और आपका स्ट्रेट वाइज डिसिप्लिन के ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ेगा, ये वो भी नेसेसरी है, क्योंकि आपका क्वालिफाई करने के लिए हर चीज़, मतलब जब आपको प्रैक्टिकल बुलाएंगे तो आपके पास मतलब कि हर चीज़ में 50% एबव प्लस मार्क होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यार टॉपिक, तो गाइस देखो यहाँ पे एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, सेरी स्वार फॉर्मेशन अल्फा एटल नंबर, कोडिंग डिकोडिंग लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन सेट ऑफ मिसिंग कैरेक्टर, रैंकिंग टाइम स्क्वायर टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिस्टेंस डिरेक्शन एंड डिस्टेंस, जनरल इंटेलिजेंस। यहाँ पे ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन आपको पता होगा जो मतलब कि मावसी का, पीसी का, फादर सिस्टर ऐसा आता है, ठीक है। फिर आता है क्लॉक एंड कैलेंडर, क्लॉक में आता है आपका डिरेक्शन जो डिग्री होता है, ठीक है। कैलेंडर में आता है आपका मतलब कि एक तारीख पूछेगा नेक्स्ट उस तारीख को कौन सा दिन पड़ता है ऐसा आता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथमेटिकल, ये उतना ज़्यादा नहीं आता। वेन डायग्राम आपको पता होगा जो एक सर्कुलर बना के उसमें पूछते हैं कि ये कौन सा सर्कुलर के अंदर जाएगा बाहर जाएगा, ठीक है। ठीक है, ड्राइंग इंटरफेस, इसके अंदर आपको एक ड्राइंग दिखाया जाता है तो नेक्स्ट ड्राइंग कैसा होगा। और यहाँ पे देखो क्रिटिकल रीजनिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, ओके, इसको आपको जो हमारा क्या कहते हैं हम लोग लूडो खेलते हैं ना, उसका स्पेस विजुअलाइजेशन होता है कि आपका मतलब कि दूसरा साइड कौन सा नंबर, ये सारा इजी है, ठीक है। मैट्रिक्स, फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर सेसिस, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, देखो ये भी ज़्यादा आता है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग मतलब कि पेपर को अगर हम लोग 4 भाग में कट करके उसको सीधा करते हैं तो कौन सा कट आएगा एक कट मारने के बाद, ठीक है। फिगर कॉम्पिलेशन, फिगर सीरीज, फिगर सीरीज में भी आपको पूछा जाएगा कि मतलब कि ट्रांजल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, वो कितना होता है, ठीक है। मिरर एंड वाटर इमेज, तो ये भी टॉपिक ध्यान रखना है, मिरर एंड वाटर इमेज, इसका 2 क्वेश्चन आने वाला कंपलसरी है, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, फिगर्स वो भी काउंट करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रांजेंट हो गया और रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फिगर, फिगर कैसे बनता है, तो टोटल ये जनरल जो इंटेलिजेंस का है ना, ये टोटल मैंने मतलब कि क्या कहते हैं यहाँ पे जो 3 साल दिख रहा है ना, 2021, 2020, 2019, BIS का, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड का, मैंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये सारे टॉपिक्स को मैंने आपके लिए ले आया हूँ। एंड मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट जो डे आने वाला है, ठीक है, उसके अंदर मैं सारा एक एक दो तीन चार टॉपिक पर डे में कवर कर लूँगा, ठीक है। तुम लोग बस चैनल पर बने रहना, एंड वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, एंड कमेंट में बताना है यार कैसे तुम लोग लगे थे। तो वीडियो यार ये बस दिया जो चैनल पर नया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा भाई टोटली टिप्स एंड ट्रिक्स भरपूर डालेगा यार BIS के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नोटिफिकेशन चैनल पर, जो बंदे ने प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। यार देखो ये टोटल कितना टॉपिक है, ये टोटल 27 टॉपिक है, ठीक है। मैं इसको टोटल 27 टॉपिक में आपको कवर करूंगा सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर, मतलब 7 ही वीडियो में मैं टोटल इस सारे टॉपिक को कवर कर दूंगा, ठीक है। सारे टॉपिक को 7 दिन के अंदर कवर करूंगा, एंड मैं ट्राई करूंगा कि 7 घंटे के अंदर हो जाए, मतलब कि एक टॉपिक का 1 घंटा, देखो 7 घंटे के अंदर आपको ये कवर करेगा तुम्हारा भाई, बस वादा ये आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो बंदे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, मिलते हैं।